मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? सवाल ये नहीं होना चाहिए। क्या आपके खाने में नमक है? सवाल ये होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बकवास सा सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हर किसी के खाने में नमक होता है। ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हर किसी के खाने में अगर नमक है तो हर किसी के खाने में प्लास्टिक भी है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, आइए जानते हैं आज की वीडियो में कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं मुक्तेश मॉडर्न बाबा के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। प्लास्टिक एक बहुत ही जिद्दी मटेरियल है जो कि मैक्सिमम लोगों को पता है कि इजीली डीकम्पोज नहीं होता, मतलब वो इजीली हमारे वातावरण से मिलता जुलता नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने इसी साल वर्ल्ड प्लास्टिक पॉल्यूशन पे एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार हमारे समुद्र में हर साल 80 लाख टन प्लास्टिक एज अ पॉल्यूशन जाता है। अब क्योंकि प्लास्टिक इजीली डिकम्पोज नहीं होता तो वो जो भी प्लास्टिक होता है उसको मछली खा जाते हैं, और मछली के खाने के बाद भी उसके अंदर वो डिकम्पोज नहीं होता, मतलब वो पचता नहीं है, घुलता मिलता नहीं है। अब जब उस मछली को पकड़ के लोग खाते हैं तो फिर वो प्लास्टिक लोगों के अंदर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो लोगों के अंदर पहुंचता है, मतलब वहां पर वो प्लास्टिक फिर से एक पॉल्यूशन के रूप में हमारे अंदर घेर कर लेते हैं। प्लास्टिक इतना पॉल्यूशन कर रहा है कि मछली खाने से भी वो हमारे अंदर में आ जा रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भैया मैं तो मछली वछली नहीं खाता, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो मेरे को तो कोई प्लास्टिक का पॉल्यूशन होना ही नहीं है। या फिर आप अगर शाकाहारी नहीं है, आप मांसाहारी है, तो ये सोच रहे होंगे मैं मछली नहीं खाऊंगा फिर मैं प्लास्टिक से बच जाऊंगा। लेकिन इतना आसानी से आप प्लास्टिक से नहीं बच सकते। इनफैक्ट हम प्लास्टिक वर्ड की जगह माइक्रोप्लास्टिक का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपने तो वो नाम सुना ही होगा ना, अरे वो बहुत फेमस सा नाम है जो हर कोई अपने खाने में छिड़कता है, नमक। नमक में भी प्लास्टिक होता है, क्योंकि नमक कहाँ से आता है, समुद्र से। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने 8 देशों के 16 नमक के ब्रांड्स पे रिसर्च किया और इन लोगों ने देखा कि हर नमक में, मतलब 16 के 16 नमक में माइक्रोप्लास्टिक के कण मिले, और वो माइक्रोप्लास्टिक 0.3 मिलीमीटर से भी कम होता है, इस कारण उसको माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। तो वो इतना बारीक होता है कि वो जो कंपनियां हैं वो अपने रिफाइनरी में जब सॉल्ट उन लोग बनाते रहते हैं तब भी उन लोग उसको रिफाइन नहीं कर पाते। इसको रिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और लगभग नामुमकिन के बराबर है। प्लास्टिक कई प्रकार के होते हैं और इन नमक की स्टडीज़ में जो प्लास्टिक पाए गए हैं वो मेनली दो प्रकार के हैं, पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीइथिलीन। और ये जो प्लास्टिक के कंपाउंड्स हैं वो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं पॉलीथीन बैग्स में, प्लास्टिक बॉटल के कैप्स में, और ऐसे ही कई सारे प्लास्टिक कंटेनर्स में और बहुत सारे प्लास्टिक्स में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को अगर माइक्रोप्लास्टिक से बचना है तो मैं फ़िश खाना छोड़ देता हूँ, या फिर मैं तो खाता ही नहीं हूँ और मैं नमक खाना भी छोड़ देता हूँ। तो प्लास्टिक से बचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक हर जगह पाया जा रहा है। प्लास्टिक हमारे समुद्र में, जो खाद हम लोग खेती में यूज़ करते हैं उसमें, हमारे फूड चेन में, और यहाँ तक के हमारे हवा में भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जाते हैं। तो इनसे बचना लगभग लगभग नामुमकिन है। रिसर्चर्स के एक और ग्रुप ने 2017 में स्पेन के 21 अलग अलग नमक के ब्रांड्स पर रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि पॉलीथिलीन टेरेप्थिलेट नाम का कंपाउंड उस नमक में पाया गया है। अब इतना सारा माइक्रोप्लास्टिक हमारे वातावरण में देख के हमको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको तो पहले से ही पता है कि इस कंपाउंड को डिकम्पोज होने में 400 साल लग जाते हैं। इतना तो प्लास्टिक को पैदा हुए भी नहीं हुआ, मतलब प्लास्टिक का इन्वेंशन हुए भी नहीं हुआ। प्लास्टिक का आविष्कार 1907 में हुआ था। 1950 से प्लास्टिक का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और आज के डेट में 300 मेट्रिक टन इसका उत्पादन दुनिया भर में हो रहा है, और ये धीरे नहीं हो रहा है, ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है, और 2050 तक के ये प्रोडक्शन 3 गुना होने की संभावना है। और अभी तो हमको इतना वक्त भी नहीं मिला है कि इस पर इनफ रिसर्च हो सके कि माइक्रोप्लास्टिक का हमारे शरीर पे कैसा प्रभाव पड़ता है और कैसे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अब तक के जो भी रिसर्च हुआ है उसके बेसिस पे हमको 3 बातें पता चली है जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुँच रहा है। एक पार्टिकल हज़ार्ड, दूसरा माइक्रोबियल हज़ार्ड, और तीसरा केमिकल हज़ार्ड। पार्टिकल हज़ार्ड तब होता है जब माइक्रोप्लास्टिक्स के कुछ पार्टिकल्स हमारे बॉडी के किसी एक लोकेशन पे इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्ड करने लगता है और ये हमारे लिए खतरा हो जाता है। लेकिन हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी तो रिस्पॉन्ड करेगा ही। केमिकल हज़ार्ड तब होता है जब ये माइक्रोप्लास्टिक हम अपने साथ में कुछ केमिकल्स कंपाउंड्स लेकर हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और इनफैक्ट
कुछ लेके आने की क्या जरूरत है जब जो माइक्रोप्लास्टिक खुद एंटर कर रहा है वो खुद ही एक हार्मफुल केमिकल कंपाउंड है। यूनाइटेड नेशंस की रिसर्च में कुछ बातें सामने आई हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पूरे ओशन में हर साल 800,000 टन प्लास्टिक एज अ पॉल्यूशन जाता है, प्लास्टिक एज अ वेस्ट मटेरियल जाता है। पूरे ओशन में, पूरे समुद्र में जितना ज़्यादा पॉल्यूशन है उसका 80% सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की वजह से है। हमारे पूरे वर्ल्ड को, हमारे पूरे दुनिया को हर साल प्लास्टिक की वजह से $8 बिलियन का नुकसान होता है। एक और फैक्ट उन्होंने ये सामने रखा कि जिस तेज़ी से हम प्लास्टिक का इस्तेमाल, कंजम्पशन और प्रोडक्शन कर रहे हैं उस तेज़ी से अगर करते रहें तो 2050 तक के हमारे समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। इस साल 5 जून को जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था तो यूनाइटेड नेशंस ने प्लास्टिक का मुद्दा उठाया और प्लास्टिक का रिसर्च पूरे दुनिया के सामने पेश किया और उन्होंने एक ऐसा प्लान पेश किया कि प्लास्टिक को टैकल कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए हम लोगों को एकदम सतर्क हो जाना चाहिए और हमें अपने आसपास के सभी लोगों को अवेयर करना चाहिए कि प्लास्टिक का यूज़ ना करें। अब आप लोगों को लगेगा कि प्लास्टिक का यूज़ ना करें बोलना तो बहुत ही आसान है, तो सिंपल सा एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, मतलब जो भी प्लास्टिक को हम लोग एक बार यूज़ करते हैं उसको हम लोग यूज़ करना बंद कर दें। जैसे कि पॉलीथीन हो गया, या फिर हम लोग जो पानी पी के फेंक देते हैं, बॉटल लेते हैं, मिनरल वाटर वगैरह लेते हैं और उसका पानी को हम लोग पी के फेंक देते हैं, तो वो सबको हम लोग यूज़ बंद कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रॉ, तो हम लोगों को स्ट्रॉ का यूज़ नहीं करना चाहिए, हम लोगों को डायरेक्टली कुछ पीना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये माइक्रोप्लास्टिक के थ्रू ही हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है या नमक के थ्रू ही हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है? हम लोग जो प्लास्टिक बॉटल यूज़ करते हैं जिसको हम लोग अपने बच्चों को देते हैं स्कूल लेकर जाएं, या फिर हम खुद अपने ऑफिस लेके जाते हैं या फिर कैरी करते हैं जगह जगह यूज़ करने के लिए, तो उसमें जो प्लास्टिक होता है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते जाता है। वहाँ पर माइन्यूट लेयर उसका डिकम्पोज होते होते वो पानी के साथ मिक्स होकर हमारे अंदर चला जाता है और हमको नुकसान पहुँचाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम लोग प्लास्टिक बॉटल का यूज़ करना बंद कर दें और हम लोग रीयूजेबल बॉटल यूज़ कर सकें। जैसे कि हम लोग तांबे का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग भारतीय पद्धति में तांबे को बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आप लोग देखे होंगे कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग दादाजी लोग जो थे उन लोग तांबे के बर्तन में पानी रखा हुआ पानी पीते थे, क्योंकि तांबे में बहुत ज़्यादा क्लिंजिंग प्रॉपर्टी होता है और वो मिक्स होकर हमारे जब अंदर जाता है तो हमको अच्छा नरिश भी करता है और वो हमको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचाता। तो हम लोग एक अच्छा अल्टरनेटिव इसका ये हो सकता है कि बाजार में अभी तांबे के बॉटल भी उपलब्ध हैं, तो हम लोग तांबे के बॉटल ले सकते हैं और हम लोग उसको प्लास्टिक के बॉटल को यूज़ करने की जगह तांबे के बॉटल को यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पहले जो अचार रखा जाता था वो सब कांच के बर्तन में रखा जाता था, तो ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, आप बताइए कि और क्या उपाय हो सकते हैं, आपके दिमाग में और क्या उपाय है वो हम लोगों को कमेंट करके बताइए, ताकि आपके कमेंट को और भी लोग देखें और ये जो उपाय है ये लोगों तक के पहुँचे। और एक बहुत फेमस प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो सोर्स है वो है प्लास्टिक के जो चम्मच और प्लास्टिक के जितने भी बर्तन वगैरह आते हैं जो हम लोग एक बार यूज़ करते हैं और उसको फेंक देते हैं। हम लोगों को लगता है कि यार एक ही चम्मच है कितना पॉल्यूशन फैलाएगा। आप इमेजिन कीजिए कि दुनिया में 700 करोड़ लोग, अगर हर कोई यही सोचे कि भैया मैं तो एक चम्मच यूज़ करूँगा ये कितना ही पॉल्यूशन फैला लेगा, तो 700 करोड़ चम्मच डेली ऐसी फेंका जाएगा। अब इन प्लास्टिक के चम्मच का उपाय ये हो सकता है कि हमारे भारत का एक स्टार्टअप है जो एडिबल चम्मच बना रहा है, मतलब खाने योग्य चम्मच। वो जो खाने योग्य चम्मच है वो चावल, बाजरा और ऐसे ही बहुत सारे हमारे अनाजों का यूज़ करके बनाया जा रहा है और ये बहुत ही बेहतरीन स्टार्टअप है। हमको ऐसे स्टार्टअप का सपोर्ट करना चाहिए। एक बहुत ही मशहूर एक्टर हैं जो सोशल इश्यूज़ को लेके मूवी बनाते हैं और लोग उससे इतना प्रभावित होते हैं कि पूरे दुनिया में वो मूवी हिट भी होती है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए, जी हाँ, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अक्षय कुमार जी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मूवीज़ का जब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है तो प्लास्टिक के ऊपर एक मूवी बनाया जाए, तो क्योंकि बॉलीवुड का इतना ज़्यादा प्रभाव हर किसी पे देखने को मिलता है, तो अगर आप प्लास्टिक पे एक मूवी बनाते हैं तो ज़रूर लोगों पे अवेयरनेस बढ़ेगा और लोग प्लास्टिक का यूज़ कम करेंगे। प्लास्टिक का प्रोडक्शन 2050 तक 3 गुना होने की जो बात हो रही है वो क्यों हो रही है? प्लास्टिक का प्रोडक्शन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं,
प्लास्टिक कोई गलत मटेरियल नहीं है, प्लास्टिक कोई घटिया मटेरियल नहीं है, प्लास्टिक एक्चुअल में बहुत ही बेहतरीन मटेरियल है। लेकिन इसका जो हम लोग गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं ना, कि हम लोग अंधाधुंध तरीके से इसका उपयोग कर रहे हैं, वो गलत है और हम लोगों को इस पर लगाम लगाना चाहिए। तो आज से जितना भी प्लास्टिक है, हम लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हमको प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जाने और अनजाने में। तो हम लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना है, ये हम लोगों को शपथ लेना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप जब लाइक करेंगे तो और ज़्यादा लोगों को ये वीडियो दिखेगा, और ज़्यादा वीडियो लोगों को वीडियो ये फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए प्लीज़ हर किसी से शेयर करें, क्योंकि देश और पूरे दुनिया को इस वक्त प्लास्टिक से बचने की ज़रूरत है। और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।